परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1788 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 2 पद 11 और 12। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। यद्यपि मैं अभी तक बुजुर्ग तो नहीं हुआ, फिर भी मेरे सीमित समय के जीवन काल में मैं काफी अच्छे और बुरे दौर से गुजरा। मैंने स्पष्ट रूप में देखा और अनुभव भी किया हूं कि लोगों ने मेरे बुरे और अच्छे समय में कैसे अलग अलग प्रकार व्यवहार किए। मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग जब उनके पास कोई नहीं है तब मेरे साथ अच्छी दोस्ती की, वही जब मुझसे भी अच्छे लोगों को, अर्थात उनके नजर में मुझसे भी अच्छे लोगों को जब वे लोग मिले तो मेरा नजरअंदाज किया। मैंने ये भी अनुभव अपने जीवन में किया हूँ, जिसको मैंने अपने अच्छे दोस्त समझता था, वे अपनी खुशियों के समय मुझे जानबूझकर याद नहीं की, क्योंकि उनके पास मुझसे भी अच्छे दोस्त उस समय उपलब्ध थे। मुझे उन लोगों से नफरत नहीं, क्योंकि संसार में लोग ऐसे ही होते हैं, संसार के लोगों का स्वभाव ऐसे ही है। आप सोचते होंगे कि सुबह सुबह वो भी इब्रानियों की पत्री के मनन के दरमियान मैं इन सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ। अवश्य बताऊंगा। जब मैं प्रारंभ में पढ़ी गई पदों से गुजर रहा था, प्रभु यीशु मसीह की महिमा, उनका जलाल, उनकी श्रेष्ठता मेरे मन को प्रभावित करने लगा। उनकी महानता मुझे ये स्मरण दिलाई है कि हमारे प्रभु के तुल्य इस संसार के कोई भी अन्य व्यक्ति को मैं कभी नहीं देख पा रहा हूँ। वर्तमान संसार के लगभग सभी मनुष्य दोस्ती और रिश्ता ऐसे लोगों के साथ बनाया रखना पसंद करते हैं जो लोग उनके बराबर के हैं, नहीं तो उनसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। क्या अंबानी या अदानी हमारे देश के एक दरिद्र कुरूप या दलित मजदूर को अपने दोस्त या रिश्तेदार बनाना चाहेंगे? वे लोग हो सकता है ऐसा एक व्यक्ति की मदद किसी मामले में करेंगे, पर मैं नहीं सोचता कि वे लोग ऐसा एक व्यक्ति को अपना दोस्त या रिश्तेदार बनाना पसंद करेंगे। अरे अंबानी और अदानी को छोड़ दीजिए ना, मसीहत में भी कई लोग इस प्रकार के हैं। गरीब और नीच भूमिगत से आए हुए विश्वासियों को कई लोग मदद करते हैं, परंतु अपने बराबर उन्हें समझना आज भी ज्यादातर विश्वासियों की बस की बात नहीं है। अगर इंसान की मानसिकता इस प्रकार के हैं, तो क्या सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सनातन एवं ना बदलने वाला, अगम्य ज्योति में रखने वाला, अति पवित्र परमेश्वर, पाप से नफरत करने वाला परमेश्वर, दूधों की आराधना का पात्र वो परमेश्वर अपनी सृष्टि जो वर्तमान में पाप से प्रदूषित शरीर में मृत्यु के भय में जी रहा है, उस मनुष्य के तुल्य अपने आप को कर सकता है? ये बात तो मानुषी कल्पना से बाहर की बात है, परंतु परमेश्वर ने ऐसा किया है। प्रारंभ में पढ़ी गई बाइबल पद में हम देखते हैं कि प्रभु इतना नहीं कि अपने आप को मनुष्य के बराबर कर दिया, बल्कि उन्हें भाई भी बुलाने के लिए वो लज्जाता नहीं है। मत्ती 28:10, यूहन्ना 20:17, रोमी 8:29 आदि पदों को पढ़िएगा। हमारा प्रभु कितना अच्छा है, वो इस संसार के सभी अच्छे लोगों से भी अच्छा है। वह मुझको और आपको भी अपना भाई कहने के लिए लज्जाता नहीं है। हम कैसी भी हीन भूमिका के क्यों, हम दरिद्र हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, कुरूप हो सकते हैं, समाज के सबसे हीन भूमिका से हो सकता है, लेकिन प्रभु हमें भाई कहने से लजाता नहीं है। उस प्रभु के पावंदले आइए हम करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। Oh,
प्यारा वचन।